गुरुवार को कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जिबास शहर के घंटाघर ओपन थिएटर में आम सभा का आयोजन हुई। सभा के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सलजा ने 75 प्लस सीटों का दावा किया है। वहीं कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल ने 30,000 वोटों से जीत हासिल करने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल ने रैली भी निकाली। रैली में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोरबा से कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश के राजस्व मंत्री के नामांकन रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची हुई थी। लोग घंटाघर से कोसाबाड़ी तक पैदल जयसिंह अग्रवाल साथ चलते रहे। सभा के दौरान राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, कोरबा में ऐतिहासिक काम हुए हैं। पेयजल की समस्या को जड़ से खत्म की जाएगी। क्षेत्र के लोगों की हर समस्या को दूर किया जाएगा। पिछले 3 विधानसभा चुनाव मैंने जीता। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में 587 वोट से जीत हासिल की थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में 14,449 वोट से जीत हासिल हुई। 2018 के विधानसभा चुनाव में 11,806 वोटों से मैंने जीत हासिल की थी। तीनों चुनाव में जीत की संख्या मिलकर 27,000 के आसपास होती है। इस बार मैं प्रचंड बहुमत से यानी 30,000 वोट से जीत करूंगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। मुझे कोरबा क्षेत्र की जनता की कई उम्मीद जुड़ी हुई थी जिन्हें हमने पूरा किया है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने बेहतर काम किया है। सामुदायिक विकास का काम किया है। हर घर में बिजली पानी पहुंचाई है। ये कहना है जयसिंह अग्रवाल का। वही सभा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सलजा ने कहा, क्षेत्र में लोगों का उत्साह देखते ही मिल रहा है। यह इस बात का गवाह है कि कोरबा विधानसभा में चौथी बार कांग्रेस अपना झंडा गाड़ेगी। जयसिंह अग्रवाल फिर से विधायक बनकर यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब की बार 75 पार। कुमारी सलजा ने 75 प्लस सीटों का दावा करते हुए जयसिंह अग्रवाल की जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल की रैली में भारी संख्या में स्थानीय लोग घंटाघर से लेकर कोसाबाड़ी चौक तक पहुंचे हुए थे। साथ ही और क्षेत्र के अन्य विधानसभा सीट से पुरुषोत्तम कंवर, तुलसी राठिया, दुलेश्वरी सिद्धार्थ ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।